हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं अंडा मसाला, तो चलते हैं इसके मेकिंग के प्रोसेस में। पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें 1 कटा हुआ कांदा ऐड कर देंगे। कांदे को हम अच्छे से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे, जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ऑनियन रेडी है तो हम इसमें 8 से 10 लहसुन ऐड कर देंगे। 1 इंच कटा हुआ अदरक ऐड कर दें और मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब ये रेडी है। 1 कटा हुआ टमाटर ऐड कर दें और इसे हम हाई फ्लेम पे टमाटर सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक मिक्सर के बर्तन में निकाल लेते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम पैन में 7 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तेल के गरम होते ही हम इसमें अंडा डाल देंगे जो ऑलरेडी बॉइल्ड है। अब एक एक करके सारे एग इसमें ऐड कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। तब ये रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो मैं इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ। सेम ऑयल में अब हम पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसे आप ऐसे चलाते रहें ताकि ये ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो आप ऐसे मसालों को चलाते रहें। मीडियम फ्लेम पे हमें ये प्रोसेस करनी है, तो इसका ऑयल सेपरेट होने तक हमें ये करना है। तो आप देख सकते हैं अब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास मिक्सर के मसाले का पानी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 2 मिनट बाद हम इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे, तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप आपके अकॉर्डिंगली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब एक बढ़िया सा बॉईल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो फ्राइड एग थे उसे हाफ में कट कर लिया है। अब हम एक एक करके इसमें इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे। इस प्रोसेस को हमें हाई फ्लेम पे करना है और ये ग्रेवी बनाने के लिए जो भी मसाले यूज़ हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब हम धीरे धीरे से इस पर ग्रेवी ऐसे ऐड कर देंगे। इसे हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है, तो हम इसे ग्रेवी ऐसे ऐड करेंगे ताकि एग में अच्छे से ग्रेवी एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसे करने से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा अंडा मसाला रेडी हो चुका है, तो चलते हैं इसके प्लेटिंग के प्रोसेस में। अंडा मसाला को आप गर्मा गर्म रोटी या फिर चावल के साथ सर्व करें। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।